हेलो बच्चों, आज फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो लेकर के। मैं हूँ विनोद सिंह और आज का डेट है 27 अप्रैल 2020। ओके, और हम सभी जो है लॉकडाउन पीरियड में चल रहे हैं, सो स्टे होम एंड स्टे सेफ स्टूडेंट्स। आपका आज का हमारा टॉपिक है कोरिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहूंगा कोरिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कोरिगेटिव प्रॉपर्टी आइए देखते हैं, कोरिगेटिव प्रॉपर्टी। कोरिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चों, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था दोज प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच डिपेंड ओनली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। बच्चों, सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर जो केवल डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब वाटर में शुगर डिजॉल्व किया जाए या यूरिया डिजॉल्व किया जाए, ठीक है, तो दोनों की जो कोरिगेटिव प्रॉपर्टी है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर में सेम अमाउंट ऑफ यूरिया या ग्लूकोज हम घोल रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों का सेम होगा, क्योंकि यह जो प्रॉपर्टी होती है वह सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के नेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जानते हैं उन्होंने, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। ओके, तो पिछले ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो चार होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस चार होते हैं। पहला होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसका कल परफ्यूम वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, P0 of A - PA / P0 of A = ζB, ये आप लोगों को बताया गया है। ये पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरा होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक जैसा होता है। और चौथा होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बच्चों, आज के वीडियो में आप पढ़ोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हेडिंग ना डाल दीजिए और इसको मैं आप शुरू करूं, मिटाऊं, ठीक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को बच्चों हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे ΔTB, ओके, ΔTB से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है, उसमें आपने मिला दिया नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट,
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे ही आप मिलाओगे तो होगा क्या, वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज करने लगता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज करने लगता है, वेपर्स कम बनते हैं। ओके, इस कारण से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इंक्रीज करने लगता है, हीट देने पर जो है उतनी मात्रा में जो होते हैं वेपर्स बनते हैं। ओके, तो यही इसका थीम है। आइए तो बॉइलिंग पॉइंट का सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट इट इज द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of a solution becomes equal to the atmospheric pressure. Okay, atmospheric प्रेशर, इट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब जिस टेम्परेचर पर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ओके, तो आइए इसके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर रिलेट करने वाला एक ग्राफ बनाता हूं, इसको मिटा दूं, मिटा देते हैं। ओके, ये हमारा टेम्परेचर है, और ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर। देखिए मैं दो ग्राफ यहां पर बनाऊंगा, एक जो होगा ये प्योर सॉल्वेंट का होगा और दूसरा जो होगा सॉल्यूशन का होगा। ओके, मान लीजिए कि ये टेम्परेचर, ये जो इस यहां पर जो है प्रेशर 1 atm होता है, 1 atm, ठीक है ना, 1 atm प्रेशर, तो इस पर जो है इसका जो टेम्परेचर आएगा और ये जो टेम्परेचर, ओके, ये जो कर्व है हमारा प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का, और ये क्या है सॉल्यूशन का। आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 1 atmosphere मीन्स टेम्परेचर दोनों के लिए डिफरेंट है, दोनों का वेपर प्रेशर, जैसे प्योर सॉल्वेंट कम टेम्परेचर पर इसको हम कह सकते हैं P0 ऑफ B, कमी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट जो है वेपराइज होने लगता है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया जाता है उसको एक्स्ट्रा हीट करना पड़ता है
उसको तफलजा में था, उसको हम टीबी से यदि रिप्रेजेंट करें, टीबी द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन, तो यहां पर जो बीच में डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, इस डिफरेंस को कहेंगे डेल्टा टीबी। ओके, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो यहां पर आपको मिल रहा है कि डेल्टा टी बी इक्वल्स टी नॉट ऑफ सॉरी टी टी बी माइनस टी नॉट ऑफ बी। ओके, तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो डेल्टा टी बी होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम क्या होती है, मोलालिटी या डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज नॉन वोलाटाइल ओके डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, तो इस जगह पर यदि हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएं तो हमको मिलेगा क्या, डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू एम। ओके, के बी इंटू एम वेयर के बी इज ए कांस्टेंट। ओके, एंड इसका नाम क्या होगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरा भी नाम होता है इसी का, ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ओके, ई बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट यहां पर आपको दिखाई पड़ा होगा, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात जो डेल्टा टी बी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब आइए केबी का डेफिनेशन कभी कभी पूछ देता है, तो हम डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी इंटू यम, तो मान लें यम इक्वल वन मोल पर केजी, तो डेल्टा टी बी इक्वल्स के बी। ओके, तो डिफिनेशन हो जाएगा मोलल एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन व्हेन वन मोल ऑफ
वन मोल ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन वन केजी सॉल्वेंट ओके। अभी आ जाएगा यूनिट, इट्स यूनिट इज यूनिट क्या हो जाएगा केबी, केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम ओके। तो हो जाएगा केल्विन मोल केजी 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 पर मोल केल्विन केजी पर मोल केल्विन केजी पर मोल ओके। तो अब चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स मिटा दूं, ठीक है मिटा देते हैं। न्यूमेरिकल्स इसमें से आते हैं बच्चों, जरूर आता है, मिटाओ ना ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर वन हमारा है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन वन केजी वाटर ओके। एटीन ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन वन केजी वाटर, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। दिया क्या है, बीपी ऑफ प्योर वाटर 373 केल्विन एंड केबी इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल ओके। क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, करो। देखो फार्मूला तुम्हारा क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी डेल्टा बी ओके। और एक फार्मूला और आपने देखा होगा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम। चलो के बी का वैल्यू रख देते हैं 0.52 और नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, तो ग्लूकोज नंबर ऑफ मोल्स मोलालिटी मास बाई मोलर मास
बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, यहां पर चले आएंगे 0.52 मास 18 ग्राम दे रखा है और ग्लूकोज का 180 आई थिंक होता है, यस 180 डिवाइडेड बाई दी मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1, यू विल गेट 0.52 इंटू 0.1 मीन्स 0.052 केल्विन। ओके, अब आइए इसको यहां पर रखते हैं, डेल्टा टी भी आपका निकल आया 0.052 टी भी नहीं, यही टी भी फाइंड आउट करना है, माइनस टी नॉट बी प्योर वाटर का 373, सो टी बी विल बी 0.052 प्लस 373 मीन्स 373.052 केल्विन। देखिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट में मामूली सी वृद्धि हुई है। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, चलिए कोशिश करिएगा सॉल्व हो जाए। 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 6 ग्राम यूरिया एंड 9 ग्राम ग्लूकोज आर डिजॉल्व्ड इन 300 ग्राम वाटर। ओके, फाइंड द बीपी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड बीपी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बीपी निकालना है। क्या कर दे रखा है, बीपी ऑफ प्योर वाटर डिग्री सेल्सियस, दूसरा केवी फॉर वाटर, जीरो पॉइंट फाइव टू केल्विन केजी पर मोल। ओके, सॉल्व कर जाइएगा। आंसर इसका मैं बता देता हूं, आंसर है 100.26 डिग्री सेल्सियस।